দিল্লিতে পৌঁছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট বলেন, বিজেপি তিন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মুখকে সামনে রাখতে পারেনি, জনগণকে মিথ্যা বলে নির্বাচনে জিতেছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে আজ ছদিন হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একজন মুখ্যমন্ত্রীরও নাম ঘোষণা করতে পারেনি। মানুষকে মিথ্যা কথা বলে এরা ভোটে জিতেছে, এখন তাদের মিথ্যাচার জনগণের সামনে উন্মোচিত হবে। জনগণ এখন বুঝতে পারছেন বিজেপি কিভাবে তাদের ঠকিয়েছে। গেহলট আরো বলেন, বিজেপি নির্বাচনে রাজ্যের ইস্যু তুলতে পারেনি, কেন্দ্রীয় ইস্যুগুলিকে তুলে ধরেছে। আসলে কংগ্রেস সরকারের ভালো নীতিগুলির বিরুদ্ধে এদের কিছু বলার নেই, ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে এরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। 7 দিন হয়ে গেল, লগভগ 7 দিন में ये अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं, चेहरा 3 राज्यों में घोषित नहीं कर पाए हैं। फाउल के लिए चुनाव जीत के आए हैं लोग, झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए हैं लोग। अब इनकी पोल खुलेगी जनता के सामने। 7 दिन हो गए लगभग, 7 दिन में ये अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इन पार्टी में बिखराव है, इस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम लोग। अगर हमारे 6 दिन लग जाते, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। आज इनके 6 दिन तो पूरे हो गए हैं, चेहरा 3 राज्यों में घोषित नहीं कर पाए हैं। फाउल के लिए चुनाव जीत के आए हैं लोग, इन्होंने स्टेट के मुद्दे उठाए नहीं और इस प्रकार से धार्मिक मुद्दे उठा करके 3 तलाक भी लेके आ गए, 370 भी लेके आ गए, राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेके आ गए। झूठ फैला दिया उन्होंने कि मुसलमान को 50 लाख, हिंदू को 5 लाख। ये तो झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए ये लोग। अब इनकी पोल खुलेगी जनता के सामने। नंबर 2, जो हमने शानदार स्कीमें पेश करी, शानदार कानून पास किए, शानदार गारंटी दी है, उस पर उन्होंने चर्चा ही नहीं करी। चुनाव विधानसभा के थे, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी पर व्यक्तिगत रूप से। चुनाव विधानसभा का है, विधानसभा चुनाव के आधार पर जो हमने काम किए नहीं किए, कमियां रखी हमारी स्कीमें में, कमियां हैं खामियां है, वो बताओ आप। उस पर चर्चा ही नहीं करी इन लोगों ने, तो आप सोच सकते हो चुनाव किस पर जीता गया है। पर चुनाव चुनाव होता है, हमने पहले ही कहा जनता माई बाप है, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, चुनाव जीत गए। हमने कहा जो भी परिणाम आएगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे। नई गवर्नमेंट को जो कब बनेगी पता नहीं, उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, हम पूरा रचनात्मक सहयोग देंगे उनको, हम उम्मीद करेंगे उनसे। इतनी शानदार हमारी स्कीम है, इतने शानदार कानून, इतनी शानदार गारंटी है, उस पर वो आगे बढ़े, जनता का भला करें, हमारी शुभकामनाएं हैं।